नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग दो इंग्लिश डीपीआई बेटिंग किस रैंक तक सिलेक्ट हो सकती है। आज का जो वीडियो है यह नॉन गेस्ट के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के पद की। इंग्लिश में कुल पद है 3,358, अतिथि शिक्षक के लिए 840 है, नॉन गेस्ट के लिए 2,518। तो यह थी आपकी कुल पद। अब हम बात करते हैं किसमें कितनी बेटिंग क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देख लें किसमें अब्सेंट कितने कैंडिडेट हुए हैं। तो इंग्लिश में जो अब्सेंट कैंडिडेट की संख्या है वह लगभग आपकी 260 है। यदि स्वयं आप निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं कि इंग्लिश में या किसी भी विषय में कुल कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे, तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुल कितने कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। कुल कितने अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए। इसकी कुल संख्या आपकी 440 के समथिंग है। इस सभी संख्या जो इस संख्या मैंने बताई ये लगभग में है। मैंने काउंट तो किया अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत यदि बहुत सारे लिस्ट डली है तो उसमें हेर फिर हो सकती है। तो ये भी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं लगभग में है। आप चाहें तो क्लियर देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो आपको भी लगभग में प्राप्त होगा, क्योंकि आपसे भी त्रुटि हो सकती है काउंट करने में। तो अब देखें कुल कितने कैंडिडेट इस भर्ती परीक्षा से अभी तक बाहर हो चुके हैं। कुल बाहर कैंडिडेट कितने हैं, तो 440 आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, 260 अब्सेंट हैं, तो टोटल कैंडिडेट आपके 700 कैंडिडेट यहां पर क्लियर हो चुके हैं। आप सर्वाधिक यदि होल्ड व रिजेक्ट कैंडिडेट हुए हैं तो वो आपके इंग्लिश में है। तो होल्ड और रिजेक्ट में आप कम से कम 200 मानकर चलिए, तो यहां पर जो कुल कैंडिडेट अनुपस्थित हो जाएंगे आपके कुल मिलाकर 800 कैंडिडेट आपके बाहर हो चुके हैं। 200 यानी कि सॉरी यहां पर 200 कैंडिडेट मानकर चलिए, तो 900 कैंडिडेट आपके बाहर हो चुके हैं, लगभग 900 या 1000। तो जितनी भी बेटिंग आपकी बनी है, जिसकी भी जो भी बेटिंग है, चाहे वो आपका SC हो, चाहे ST, SC, ST, OBC, जनरल, EWS, इन सभी की जो इंग्लिश की बेटिंग है वो पूरी क्लियर होगी, पूर्णता क्लियर होगी, पूर्णता क्लियर होने के चांसेस, सिलेक्ट होने के चांस, क्योंकि लगभग इसमें अधिक से अधिक रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, इस कारण से पूर्णता बेटिंग क्लियर होने के चांस है। वैसे भी बेटिंग में डेढ़ गुनी बनी है DPI में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉन गेस्ट की बेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।